दोस्तों इसी तरीके से आप भी बिल्कुल आसानी से किसी भी नॉर्मल स्विच बोर्ड में वोल्ट मीटर लगा सकते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, अमन इलेक्ट्रिक टेक में आपका स्वागत है। तो दोस्तों कैसे, वास्ता करता हूँ अच्छे मगर अच्छे ही रहोगे दोस्तों। दोस्तों आज की इस वीडियो में वोल्ट मीटर लगाना सीखेंगे, किसी भी नॉर्मल स्विच बोर्ड में वोल्ट मीटर किस तरीके से लगाया जाता है दोस्तों, आइए हम सीखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं इस पे यहाँ पे होल्डर लगा था, तो हमने होल्डर को निकाल दिया है, होल्डर हमें कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगाएंगे दोस्तों। तो इस तरीके से वोल्ट मीटर को आप नट को खोलेंगे, खोलने के बाद में सीधा करके यहाँ पर टाइट कर देंगे दोस्तों। तो हमने सीधा करके यहाँ पर हम टाइट कर लेंगे, बोल्ट को लगा देंगे दोस्तों। कुछ इस तरीके से हमने बोल्ट को लगा दिया है दोस्तों। अब इसका हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसका कनेक्शन हम इंडिकेटर से करेंगे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं सेम इंडिकेटर जैसा कनेक्शन होता है, इसमें भी न्यूट्रल फेस देना होता है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर में दो टर्मिनल है, न्यूट्रल और फेस दोस्तों। तो इसमें हमने वायर को टुकड़े को टाइट कर लेना है। तो एक टुकड़ा हमने टाइट कर लिया दोस्तों, आप देख सकते हैं वायर का, ये हमारा फेस हो गया दोस्तों। अब हम न्यूट्रल टाइट कर लेंगे दोस्तों, ये हमारा दूसरा टुकड़ा वायर का टाइट हो गया दोस्तों। इस तरीके से हमने दो टुकड़े को यहाँ पे टाइट कर लिया दोनों टर्मिनल में दोस्तों। अब इसका हम कनेक्शन करेंगे दोस्तों। तो कनेक्शन हम इंडिकेटर से करेंगे दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इंडिकेटर के दोनों टर्मिनल में एक एक वायर को लगा देना है। तो हम पहला वायर इंडिकेटर में लगा दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। अब हम दूसरा वायर लगाएंगे दोस्तों, तो इंडिकेटर के दूसरे पॉइंट में लगा देंगे, दूसरे टर्मिनल में लगा देंगे। इस तरीके से हमारा न्यूट्रल फेस दोनों वोल्ट मीटर में मिल जाता है दोस्तों। अब इसे हम चेक करेंगे दोस्तों। तो चेक करने के लिए हम इसमें लाइन देंगे दोस्तों। तो लाइन हम इसमें लगा लेते हैं दोस्तों। लाइन देने के लिए हमें वायर इसमें कनेक्ट करना होगा दोस्तों। तो हम वायर इसमें जोड़ लेते हैं दोस्तों। तो हम इंडिकेटर में लाइन दे देते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने न्यूट्रल फेस इंडिकेटर में दे दिया है। अब इसे हम चेक करेंगे दोस्तों। वोल्ट मीटर हमारा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है दोस्तों। तो इसमें लाइन देते हैं दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें हमने लाइन दे दिया है, हमारा वोल्ट मीटर अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों बिल्कुल आसानी से घर पर किसी भी नॉर्मल स्विच बोर्ड में वोल्ट मीटर लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक करके शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ में।